प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी फिलहाल नवीन पटनायक से भी बातचीत की है, तो प्रधानमंत्री मोदी को भी लगातार न सिर्फ टाइम लाइन के तहत एक एक अपडेट मिल रहा है, वो भी लगातार अब फोन पर बातचीत कर हर बड़ा अपडेट ले रहे हैं और फैसलों के बारे में भी बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के निर्देश के तहत ही हमने देखा कि पिछले 40 घंटे से किस तरीके से युद्ध स्तर पर न सिर्फ रेस्क्यू का काम किया गया बल्कि रेल मंत्री की तरफ से भी यह सुनिश्चित किया गया कि उनका पूरा का पूरा फोकस अभी के हालात को देखते हुए मरम्मत के काम पर है। हालांकि मामले पर हो रही राजनीति को दरकिनार कर अभी फिलहाल सभी मंत्रियों की तरफ से बयान सामने आया है कि प्राथमिकता है कि घायलों को जल्द से जल्द सही इलाज मिल सके और रेलवे ट्रैक पर जिस तरीके से अभी तक रेस्क्यू का काम किया जा रहा था वो फिलहाल फाइनल स्टेज पर है, जिसकी सीधी तस्वीरें TV9 भारतवर्ष भी आपको दिखा रहा है। रविशंकर दत्ता हमारे सहयोगी ये सीधी तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं कि कैसे अभी फिलहाल ट्रैक से सभी बोगियों को हटा लिया गया है और महत्वपूर्ण ये है कि मरम्मत का काम अभी किया जा रहा है ताकि इस पूरे रूट को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। रवि, मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये देख रहे हैं कि बार बार पिछले कई घंटों से कैसे खुद रेल मंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को अपडेट दे रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी इस बीच हालात को लेते हुए नवीन पटनायक से भी बातचीत की है, अश्विनी वैष्णव से भी बातचीत की है, यानी अभी फोकस पूरी तरीके से मरम्मत के काम पर है, इस पूरे रूट को बहाल करने पर पूरा फोकस है। देखिए, सिर्फ यहाँ पे इम्पॉर्टेंस नहीं, वॉर फूटिंग पे काम चल रहा है। जैसे कि अगर कोई युद्ध परिस्थिति हो जाए उसमें अगर कुछ खराबी आए उसको ठीक करने के लिए जो स्थिति बनी होती है यहाँ पे वही है। आप देख सकते हैं कितने लोग जुटे हुए हैं एक ट्रैक को ठीक करने के लिए, करीब 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं जो कि इंजीनियर्स हैं, यहाँ के लेबर्स हैं, जो टेक्नीशियंस हैं सारे यहाँ पे हैं, कितने सारे JCBs यहाँ पे लाए गए हैं। और दूसरी तरफ यहाँ का नज़ारा एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि वो जगह जिसको मैं दिखा रहा था बार बार वो कितना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी बोगीज वगैरह थे लेकिन इसको ठीक कर दिया गया है। यहाँ पे बाकी तस्वीरें आगे भी हम आपके पास आएंगे और तस्वीरें आप दिखाइएगा।